गर्मियों के शुरुआत में ही मवेशियों के साथ साथ लोगों की प्यास बुझाने में नाकाम जल निगम जल संस्थान तोली गांव के ग्रामीण सड़कों में उतरने की कर रहे हैं तैयारी। पानी की प्यास से तड़प रही है जनता, परंतु प्रशासन मूक दर्शक की भांति देख रहा है। जल निगम जल संस्थान की इतनी मनमानी हो गई है कि लोग अब सड़क को जाम करने की तैयारी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं तोली गांव के ग्रामीणों का सब्र का बांध टूटने की स्थिति में आ गया है। महिलाओं ने मोर्चा संभाल लिया है, अब महिलाएं एनएच जाम करने की बात कर रही हैं। प्रशासन को संज्ञान लेने की आवश्यकता है। तत्काल प्रशासन इस गांव की पानी की व्यवस्था को दुरुस्त करे, अन्यथा एक बड़ा आदि कैलाश यात्रा का रूट जाम होने की स्थिति कहीं ना कहीं पैदा होने वाली है, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी ग्रामीणों ने जल निगम और जल संस्थान के ऊपर डाली है। जा रहे हैं पानी लाने के लिए, बच्चे शहीद बुढ़े लोग सब नदी से पानी पी रहे हैं। ये समस्या है हमारी, कोई देने वाला भी नहीं है इस गांव में। एक महीने का 400 रुपया बिल आया है, चौकीदार बिल लेके यहाँ आ रहे हैं यहाँ पानी के, और पानी की इतनी समस्या है हमारे यहाँ। गाय भैंस प्यास से मर रहे हैं, अब हम नदी से पानी लेके गाय भैंसों को कैसे पिलाएंगे भाई पानी, ये भी तो समझो ना। करने वाला है नहीं, और पानी के बिगड़ यहाँ मर रहे हैं आज लोग, बाग तड़प के मर रहे हैं। रेल जेल करने के लिए चौकीदार का हक बनता है, चौकीदार तो कभी घूमता ही नहीं है, बिल के लिए आ जाता है, इसलिए हम कैसे देंगे हम बिल। हर महीने 400 दिला रहे हैं। अब मोदी ने घर घर जल घर घर नल दिया, बोला थोड़ा बोला सही, घर घर जल घर घर नल आ रहे, वो पानी से भी बस तड़प के मरना हो रहा है हम लोगों के लिए। ये सब मोदी जी ने दिया था ना, मोदी जी ने दिया था तो ये घर घर जल घर घर नल वालों ने तो हमको नहीं दिया पानी। नल तो जरूरी है, हमारे पास नल है यहाँ। हर घर जल हर घर नल की भी कहीं ना कहीं पीड़ा ग्रामीणों को देखनी पड़ रही है। हर ग्रामीण हर तोक में हर घर नल हर घर जल की अव्यवस्थाएं है। जल संस्थान जल निगम के द्वारा जहां एक तरफ घर घर पानी पहुंचाने की व्यवस्था सरकार ने की है, वहीं दूसरी तरफ इसको पलीता प्रशासन के लोग, इनके नुमाइंदे यानी जल संस्थान का जो प्रशासन है, जल संस्थान की जो कार्यदायी संस्थाएं हैं या जो जल निगम के लोग हैं, वो पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों में आक्रोश दिन प्रतिदिन जल संस्थान जल निगम के प्रति बढ़ता जा रहा है। पानी का बूझ भी नहीं आ रहा है पीने के लिए, नल भी जल भी, जाने वाले गाय भैंस मर रहे हैं पानी के प्यास से, क्या करना है इसमें। नदी से पानी ला रहे हैं हम, इसके बाद भी पानी नहीं आएगा तो हम रोड में जाके चक्का जाम कर देंगे, फिर आप लोग कुछ नहीं कह सकते हमसे। पानी तो हमने गाय भैंसों को पिलाना है, बच्चों को पिलाना है, नेशनल हाईवे बंद करके रख देंगे, इसके जवाबदार हम नहीं है। धारचूला से तवागाड़ जा रही कार रोंगटी पुल के 0 पॉइंट के पास अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें एक बच्चे समेत 2 की मौत हो गई है। बता दें कि धारचूला से तवागाड़ जा रही कार रोंगटी पुल के 0 पॉइंट के पास अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें सुमित कुमार 32 वर्ष निवासी केला की मौके पर मौत हो गई। वहीं कार में सवार 2 बच्चे आदित्य 12 वर्ष और स्पर्श 8 वर्ष घायल हो गए। सूचना मिलने पर 11वीं वाहिनी SSB के असिस्टेंट कमांडेंट जुबेर अंसारी, इंस्पेक्टर कश्मीर सिंह, सब इंस्पेक्टर पुलिस के जवानों द्वारा रेस्क्यू कर 108 एम्बुलेंसों को घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां उपचार के दौरान आदित्य कुमार पुत्र श्याम सिंह निवासी ग्राम खेत की भी मौत हो गई। वहीं दूसरे घायल स्पर्श कुमार पुत्र निक्कू कुमार निवासी ग्राम खेला की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर संदीप के द्वारा हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। पुलिस के द्वारा शव पंचनामा भर के आगे की कार्रवाई की जा रही है। हादसा करीब सुबह 10:30 बजे का बताया जा रहा है। तीन डॉक्टरों की टीम के द्वारा धारचूला में निःशुल्क मेडिकल कैंप लगाया गया। बता दें कि 3 रिटायर्ड डॉक्टर के द्वारा लगा ऑर्थोपेडिक हड्डी के सर्जन, मनोरोग के विशेषज्ञ और साथ में रहे न्यूरोसर्जन। उक्त कार्यक्रम का उद्घाटन डॉक्टर जायसवाल ने किया। जायसवाल के साथ मौजूद रहे फार्मासिस्ट बोनाल, फार्मासिस्ट थापा और धारचूला का पूरा स्टाफ। बता दें कि 3 डॉक्टरों की जोड़ी के द्वारा जो कि रिटायर्ड है, निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर जगह जगह लगाया जा रहा है। उसके तहत धारचूला में भी आज निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जिसमें मरीजों की जांच की गई और निःशुल्क दवाएं भी वितरित की गई। बता दें कि इस कार्यक्रम में मनोरोग चिकित्सक और साथ में ऑर्थोपेडिक हड्डी के सर्जन, साथ में न्यूरो सर्जन, तीनों ही रिटायर्ड हैं और स्पेशलिस्ट हैं, उनके द्वारा कैंप किया गया। उस कैंप में मरीजों की जाँच की गई और मरीजों को निःशुल्क
चिकित्सा सहायता के साथ साथ दवा वितरित की गई। तीनों डॉक्टरों ने बताया कि हमारे द्वारा घूमने का प्रोग्राम बनाया गया था, साथ ही हमने एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया। समय बचता है तो हम जगह जगह अस्पतालों में लोगों की जांच कर रहे हैं और लोगों को मुफ्त दवाएं दे रहे हैं। तीनों क्लास फेलो 73 इंट्रेंस हमारे मेडिकल कॉलेज लखनऊ का दोस्त हैं हम लोग। तो हम लोगों के अब सब लोग रिटायर्ड लोग हैं, डॉक्टर साहब का भी 35 में रिटायर्ड ही लोग। तो हम लोगों का यही रहता है कि थोड़ा घूमे भी, और जहाँ हम लोगों को ऐसा कि जैसे कोई न्यूरो का मरीज मिलता है, कोई साइकेट्रिक का मरीज मिलता है, कोई हड्डी का वो मिलता है, तो हम उसकी जो गरीब है उसकी पूरी दवा हम उपलब्ध कराते हैं, चाहे न्यूरो को चाहे एमजी साइकेट्रिक, पूरी दवा हम उपलब्ध कराते हैं जो भी हम रिसोर्सेज से हम करते हैं। तो अभी आप क्या रहे हैं? पहले स्टार्ट किया मुंशारी में डॉक्टर साहब ने कितने मरीज देखे हैं? 25 मरीज मिले, 30 मरीज मैंने देखे, आपने कितने देखे? मैंने तो तीन मरीज तीनों को दवा भी दे दी हमने, एक महीने की दवा दे दी हमने, कहा फिर हमें नंबर दे रखे, टेलीफोन नंबर दे रखी है, फिर उनको ज़रूरत पड़ेगी हम डॉक्टर साहब से सलाह लेंगे या वो सीधे फ़ोन करेंगे डॉक्टर साहब से, जितनी भी दवा आएगी फिर हम इसको प्रोवाइड करेंगे, फिर आपको हम अपने रिसोर्सेज से देंगे। मैं अभी हमारे साथ और जुड़े हैं, अनफॉर्चुनेटली एक आई सर्जन भी था हमारे साथ, वो नहीं आ पाए, अभी हम और लोगों को भी जोड़ेंगे। थैंक यू सर। जो हम 73 बेस मेरे पॉलिस। थैंक यू सर। डॉक्टर मेजर नंदकिशोर हूँ, पिछले 36 वर्षों से आर्मी में 5 साल सेवा देने के बाद मैं प्रैक्टिस में अपनी कार्यरत हूँ, और दुर्भाग्य ये है कि जन जागरण की बड़ी सख्त आवश्यकता है, न्यूरोलॉजी में तो फिर भी मरीज चले जाते हैं, हमारे वाले मरीज बहुत कीमती समय झाड़ फूंक और ऊजा पूजा में बिताते रहते हैं, और जो एक बहुमूल्य समय है जिसमें शुरू में ही मरीजों की का इलाज हो सकता है और उसको एक विभत्स रूप लेने से रोका जा सकता है, वो समय झाड़ फूंक और इन सब में निकल जाता है। तो उद्देश्य हम लोगों का मूलतः तो 3-4 जगह तो हमें वैसे भी रुकना ही है, तो क्यों ना हम अपना जो भी समय वैसे हो उसको बहुत अच्छे से बिता के जाएं। कुछ दवाई आजकल सैंपल मिलने बंद हो गए तो खरीद के थोड़ा सा डॉक्टर होने के नाते थोड़ा हल्के उस पर भी मिल जाती हैं अच्छी दवाइयाँ, तो खैर मेरे तो मरीज भी कम आए। तो मुख्य उद्देश्य है, जन जागरण भी है और सेवा भाव। तो जिस वक्त हम MBBS के लिए वो लेते हैं शपथ ग्रहण, कुछ उससे भी हमारा तो सेवा भाव ही है मूलतः। एक महत्वपूर्ण सूचना आपको देनी है, इंडियन गैस के द्वारा EKYC की जा रही है। EKYC के बिना आपको सिलेंडर मिलना अब मुश्किल हो सकता है, इसलिए आप लोगों से DCL न्यूज के मार्फत इंडियन गैस के द्वारा एक निवेदन किया गया है, और DCL न्यूज भी आपसे निवेदन करता है कि अपनी EKYC धारचूला के गैस गोदाम में जाके आप कर लें, या फिर जहां सेवा विस्तार जहां गैस बढ़ती है जगह जगह EKYC के लिए कैंप लग रहे हैं। सिलेंडर जब आप लेने जाएं तो EKYC अवश्य करा लें, अन्यथा आप सिलेंडर से वंचित रह सकते हैं। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से धारचूला गैस सर्विस के सभी सम्मानित उपभोक्ताओं से अनुरोध करना चाहता हूँ कि दिसंबर से हम EKYC करवा रहे हैं, अभी तक मात्र हमने 5,700 किए हुए 7 महीने में, जबकि 15 अगस्त 2024 हम पूरा टारगेट है हमारा, उसमें हमने लगभग हमारे पास अभी एक्टिव लगभग 15,000 कंडीशन है, उनको पूरा करना है टारगेट 2 महीने में। तो इसलिए ये टारगेट तो अब बहुत कठिन हो गया है, तो इसीलिए मैं सभी उपभोक्ताओं से अनुरोध करता हूँ कि अपनी EKYC करवा लें और मोबाइल नंबर अपडेट करवा लें समय से, ताकि उनको गैस मिलती रहे। अगर EKYC न होने पे या मोबाइल नंबर अपडेट न होने पे अब उनको गैस की आपूर्ति नहीं हो पाएगी, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। इसलिए सभी से अनुरोध है कि जगह जगह हम कैंप लगा रहे, विस्तार बिंदु में है, जिस दिन गैस का वितरण होता है उस दिन कैंप लगता है EKYC और
मोबाइल अपडेट का, और धातुला हम रोज कर रहे हैं, और जब वितरण कार्य होता है वहाँ पर भी ई केवाईसी करवा रहे हैं, तब भी उपभोक्ता अभी आ नहीं रहे हैं, जिस कारण हमें परेशानी हो रही है। तो ये आपके माध्यम से ही कहना चाहता हूँ। एनएचपीसी की कॉन्ट्रैक्ट यूनियन के द्वारा आज उप जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में शिकायत की गई कि नए कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा गेट पास बनाने के नाम पे 22 कर्मचारियों को रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि नए कर्मचारियों को गेट पास बनाने के लिए 1500 रुपए की डिमांड की जा रही है, जो सरासर अन्याय है। कहीं ना कहीं मैनेजमेंट भी इसमें संलिप्त है, इस तरह के आरोप उन्होंने लगाए हैं। उन्होंने कहा कि नए ठेकेदार के द्वारा अभी तक गेट पास नहीं इश्यू करने से बेरोजगारी भुखमरी की नौबत आ गई है। एनएचपीसी को जो हमारा यूनियन का पटनी नंबर कल एनएचपीसी बहुमिया को मिलने गया, इसमें 22 लोगों को जो है सिविल डिपार्टमेंट में जो कार्य कर रहे हैं, 1 तारीख से उनका टेंडर हो गया है। मैनेजमेंट उनको गेट पास जारी नहीं करवा रही है जानबूझकर, और जब उनसे हमारा यूनियन का पटनी नंबर बात करने गया, हम उसकी शिकायत लेके गए कि बोला भाई 1000% पे ले रहा है, तो इनका भी कहना है, एचआर का कहना है, और फिर इनका हेड ऑफ डिपार्टमेंट का कहना है, एसएमएसआर का कहना है कि वो ठीक है, बोला आप कॉन्ट्रैक्टर को जो कि अपना जो कि कमीशन दीजिए, उसके पास अपना गेट पास ले जाइए, हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसकी ये भाषा है बस, हम लोग जानते हैं जिसे वो हमें नहीं जानने की बात कर रहा है। और हम लोग जो कि परियोजना में इतने साल से काम कर रहे हैं, हमारे मजदूर के साथ इतना उत्पीड़न हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर उपजाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा है कि इस पर तत्काल कार्रवाई की जाए, और अपने हमारे कर्मचारियों को जो कि जिसका टेंडर हो चुका है उस पर जो कि वो सही जाए, और कर्मचारियों की नौकरी के उस पर जो बनाए रखे, और इस मैनेजमेंट की सहायता द्वार के लिए आगे की ओर इसके की ओर बढ़ेंगे कि ये ह्यूमन राइट्स होने के बाद भी जो अभद्र भाषा करा है, इसके लिए प्रशासनिक कार्रवाई करने के लिए हम बाध्य हैं। धन्यवाद। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब DCL News।